अंबाला में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अंबाला में डेंगू के मामलों ने जहां पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो वहीं अब अंबाला में डेंगू के मामले 500 पार जा पहुंचे हैं। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि नवंबर के महीने में तापमान में गिरावट होने पर डेंगू का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि अभी तक अंबाला में डेंगू के 506 मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से अभी 16 मरीज जिले के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर मच्छरों का लार्वा चेक किया जा रहा है और इसके अलावा लार्वा मिलने पर मकान मालिकों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों को मेडिकेटेड मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं ताकि उनसे बाकियों को डेंगू ना हो सके। इसके अलावा जिले में डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तक अंबाला में 506 डेंगू के मरीज जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, जो कि जिसमें सुखद बात यह है कि ये एक जगह पर क्लस्टर्ड नहीं है, ये शहर के विभिन्न विभिन्न जिले के विभिन्न विभिन्न जो है वो उससे ब्लॉक से हमारे पास मरीज निकल के आ रहे हैं, क्लस्टर्ड मरीज नहीं है। देखिए, आज की डेट में हमारे पास लगभग 16 मरीज हमारे अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हो रखे हैं, जिसमें से ज़्यादातर नारायणगढ़ या और अम्बाला सिटी में दाखिल हैं।